गांव हिरे तालाब के पास शिक्षिका की बाइक से निकला सर्प देख कर बाइक फेंके। एक घटना देख आप भी चौंक जाएंगे कि चलती बाइक में कैसे सर्प निकल आया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जहाँ एक कुकवा निवासी शिक्षिका शाला से पढ़ाकर अपने घर जाने निकली, जहाँ रास्ते में उन्हें बाइक के पीछे से सर्प निकलते देखा तो महिला ने बाइक को फेंक कर भाग निकली, जिससे महिला घबरा गई। तो वहीं सर्प भी बाइक से निकला और पुनः बाइक के अंदर ही चला गया, जिससे घटना की जानकारी लगते ही वहां पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। यह घटना शिक्षिका श्रीमती बघेले के साथ हुई। जब उन्हें इस घटना के बारे में बताया गया कि वह उकवा निवास करती है, उन्होंने कहा कि वह उकवा से 15 किलोमीटर दूर ग्राम स्थित बिठली स्कूल में पढ़ाने जाती है। जब वह शाम 5 बजे बिठली से घर वापस की ओर आ रही थी तो तभी हिरी तालाब के पास रास्ते में उन्होंने अपने पीछे एक सर्प का आभास किया। यह देखकर चलते गाड़ी को फेंक कर शिक्षिका कूद गई और गाड़ी को फेंक दिया, जिससे सांप बाहर तो निकला लेकिन पुनः गाड़ी में ही घुस गया। इसकी सूचना तत्काल नरेश बघेल के द्वारा सचिन पद में वन रक्षक को दी गई, जहां जानकारी लगते ही वन रक्षक सचिन पद में उकवा से 10 किलोमीटर दूर जाकर मूसलाधार बारिश के बीच पहुंचे और बड़े ही मशक्कत के बाद 2 घंटे के करीब कड़ी मेहनत के साथ स्कूटी में फंसे 6 फीट लंबे घोड़ा पछाड़ धानवन प्रजाति के सर्प को सुरक्षित निकालकर मौके से ही स्थित जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं सचिन पद्मे के द्वारा बताया गया कि यह सर्प जब स्कूटी बाइक स्कूल प्रांगण में खड़ी रखी हुई थी उसी समय यह प्रवेश कर गया था। जब बाइक चलाते समय यह सर्प को आभास हुआ और बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने जागरूकता के आधार से उन्होंने कहा कि बाइक चलाने के पहले बाइक को अच्छे से देख ले, उसके पश्चात ही बाइक चलाएं।